माय हस्बैंड डिड, माय हस्बैंड डिड। तो क्या और बहुत ही कैटेगोरिकली नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूं। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक अ फ्लावर और अ बुके और जस्ट बिल्कुल नहीं कोई डेस्टिनेशन नथिंग एट ऑल। मुझे बहुत ही क्या बस वो डिनर बैठे हुए थे और उन्होंने बस बोला कि लेट्स गेट मैरिड। He did not say that. He did not say that. But then we knew it's going to get, it is getting serious from the very beginning because I was 31 at the time, 30 at the time, 31. So I couldn't just like consider somebody for whatever. Yeah. I needed to know कि क्या चीज़ क्या है. तो वो clarity तो थी, दोनों को थी वो clarity. और वो मुझे छोटे yes, this is for serious. हाँ हाँ. From the very get go, from the very beginning, ये clarity थी. And मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच रेडी फॉर मैरिज बिकॉज मुझे समझ आ गई थी कि दिस इज वुड व्हाट आई वुड वांट एंड द फैमिली आई वुड वांट टू सेट अप। तो मुझे तो था, सो ही सेड कि नहीं, आई थिंक इट्स बिन 9 months, 10 months हो गए थे, लेट्स हैव आवर पेरेंट्स मीट। ओके, तो आई वाज लाइक ओके। तो फिर मैं अम्मी अब्बू को लेके गई, वो अपने अम्मी अब्बू को लेके आए। एंड ही इज यंगर देन यू? ही इज यंगर देन मी। ओके, फोर इयर्स यंगर देन मी। तो वो लगता है कोई फर्क होता है बिकॉज ये जो एज है ना, वैसे तो ओके आई थिंक अब तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है छोटा होना, यू नो वो 4-5 तो मैं तो काउंट भी नहीं करती उस चीज़ को। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर 27-28 एंड वो एंड देन यू नो 31, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद एक वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है। बिल्कुल है, उनकी लाइफ में वो है एंड आई लेट हिम बी। आई नो कि वो गुजरेगा तो वो 30s में आएंगे तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी, व्हिच इज़ ओके बाय मी। आई वाज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई वाज 27 एंड दैट्स an amazing time of your life because you are becoming who you are. So 27, 28, 29, 30 wo to aapka pura aapke paas time hai in terms of your career or otherwise as well to just find out. And you know, I don't know what it is but I have seen it when you 29 to 30 or 30 to 30 it shifts automatically hota hai your maturity changes. Doesn't mean that you become very serious या कुछ हो जाते हैं, but एक understanding of things, life के बारे में ना internal होता है, वो आपको समझ आ रही होती है चीजें, लोगों से आपको क्या expectations हैं, वो समझ आ, गलतियाँ कर चुके होते हैं आप काफी सारे, तो आपको पता होता है कि अब ये गलतियाँ नहीं करनी, और फिर एक नए तरह के challenges आ जाते हैं life में। तो कहीं भी ये concern नहीं था that at this point in time when he's younger than me and थोड़ा सा you know एक different वो है, of course mental compatibility thi tabhi you guys decided to do it but ye concern nahi tha ki thoda sa point of view different ho raha hai. See, I think Rabe ye main aajkal bahut sare aise clips aa rahe hote hain on Facebook and everybody is talking about you know there's a red flag or a green flag, there's this person or that person. Like between the age group or between the bracket of 25 to 35 nobody is going to be perfect. Okay, it is humanly not possible is wale age bracket mein because either you have gotten out of a relationship or you were on the receiving end of something really bad. Yeah. या तो आपकी शादी नाकाम हुई है या फिर कोई रिलेशनशिप या कोई इक्वेजन या आप किसी को कंसिडर कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं किया या फिर वो वर्कआउट होकर ख़राब हो गया. तो अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो मेंटली कुछ ना कुछ तो आपके चैलेंजेस होंगे जिनसे आप गुजर रहे होंगे बिटवीन स्पेशली द एज ऑफ 25 to 35 आई थिंक सो. उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं सुधरते उसके बाद भी मसले रहते हैं, कोई हील होकर परफेक्शन की तरफ नहीं चले जाते बाई द एज ऑफ 40. But especially in this age bracket, if you're looking to marry, there will be things that people will be going through. या तो एक transitional phase है जो आप अभी इसकी बात कर रही हैं. तो मेरे लिए वो accept करना is better than something else. Okay. आपके लिए क्या manageable है? That's what you have to pick and choose. Yeah. Because हर आदमी अपने उसके साथ आएगा. मैं भी बहुत सारी चीजों के साथ जा रही हूँ, तो वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं. I know. हम तो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, उनसे तो नहीं बात कर रहे. क्या हाल है? हमें क्या पता? वो बोलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से क्या क्या जाता है वहाँ से. That's true. Okay. But you were mentioning कि वो पूरा प्रोसेस जो आपके निकाह का था वो भी काफी आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग टाइम था. योर फादर कुडंट बी देयर. Yes, yes. So we had locked the date, keeping in mind availability of everybody. This was supposed to happen in May. अब तो एक साल हो गया है. लेकिन my father met an accident, and it was a very, I think probably मेरे 30 से ज़्यादा internal shift इसी वक्त हुआ था that my father went through a very bad accident, and I was thrown into the OT. I was filming for मुझे कबूल नहीं है. रमज़ान का वक्त था, and I told Abis Raza, the director, that I have to rush to the hospital because my father has been through this. He let me go. And we didn't realize how bad it was until I reached, and I was made to sign a document, which is, I think, it is such a weird. I mean, I'm sochti hu to us pe likha hua hota hai ki if something happens to your parent, you are responsible for it, or aap wo sign kar rahe hote hain, giving them the permission to do whatever. Yeah. And otherwise, if you don't do it, then he's lying on a bed and with broken bones. So
मैं ओटी के बाहर खड़ी हुई थी एंड डॉक्टर खड़े हुए थे एंड आई वाज लाइक, और वो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे वहाँ पे, हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, बेसमेंट था. तो मैंने कहा मैं किसको कॉल करूँ, एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक इट्स मी एंड अल्लाह एंड दैट्स इट. आई वाज लाइक ओ गुड लॉर्ड, दिस इज लाइक, दिस इज लाइफ. आई हैव टू मेक दिस डिसीजन अबाउट माई फादर्स लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई हैव टू साइन दिस डॉक्यूमेंट. वो जो शिफ्ट था ना विद इन दोज फ्यू सेकेंड्स, अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए. आई साइंड इट, माई फादर वेंट इन, माई फादर कुड नॉट रिकग्नाइज एनी थिंग, ही वॉज जस्ट लुकिंग अप एंड आई वॉज लाइक आई एम लूजिंग हिम एंड आई वॉज लाइक आई हैव डू एवरीथिंग इन माई कंट्रोल एंड दैट हैपेंड. एंड हम डेट नहीं शिफ्ट कर पाए बिकॉज वी हैड पेड द कोर्ट फॉर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेल, जो काफ़ी दिन बाद, अगली डेट बहुत महीनों बाद थी. तो आई टू गो अलोन, अम्मी को अब्बू को ख्याल रखना था, अम्मी को अब्बू का ख्याल रखना था. सो आई वेंट देयर, माई सिस्टर इज इन दुबई, तो वहीं पर हुआ. So, अम्मी अबू दोनों नहीं थे, वीडियो कॉल पे थे. ओके, पर अबू सच इम्पोर्टेंट टाइम, मेरे वली कहते हैं ना, वली आपका वली नहीं है. बट आपको भी बड़ी बहादुरी की चीज़ चाहिए थी बिकॉज बहुत इमोशनल टाइम होता है. बट चले, बट आई थिंक इट्स अगेन फॉर द पर्सन जिसको वो चैलेंज मिलता है वो कर पाता है, उसको सहार पाता है. तो मैंने सहार लिया एंड आई मेड श्योर दैट आई एंजॉय, आई बी देयर एंड दैट्स सो गुड टू नो. माय गॉड मदर हु इज द डॉटर ऑफ ARY. अच्छा, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, शबाना आंटी, आई कॉल हर बू. शी, आई टोल्ड हर दैट दिस हैज़ हैपेंड एंड मेरा पूरा जो हमने वेन्यू वगैरह डिसाइड किया था सब कैंसिल कर दिया क्योंकि सिर्फ मैं अकेले आ रही थी. सो शी सेड कि मेरे घर में करो. तो शी इज़ इन दुबई. तो उन्होंने अपने घर पे रमज़ान की जो प्रेप हुई भी थी उसी को वैसे बरकरार रखा. वो उम्रे से वापस आई थी तो उन्होंने कहा हम वैसे ही रखेंगे. वहीं पे पूरा एक टर्किश सेटअप था. इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई कैंट थैंक हर इनफ बिकॉज मेरे पेरेंट्स की एब्सेंस में She was there to take care of you guys. Yeah. Plus your sister was there. Chale. My sister was there as well. But yeah. But वो ही बात है. I'm sure your parents must be like ये important चीज़ हम इसको delay नहीं करना. हाँ, मेरी अम्मी को बस था कि मेहंदी लगा के जाना. हाँ, अच्छा, इतना ज्यादा उनको था. उनको बहुत था, मेरी मम्मी को देखने का भी बहुत था. और आजकल मेहंदी मिट जाती है. सो बाय द टाइम आई केम बैक वो मिट गई थी. तो माय मम वाज लाइक आई कुडंट सी इट बिकॉज़ मैंने शारजा में लगवाई मेहंदी जाके. So my mom तो वो अरबिक मेहंदी वाली लगवाई थी. I think so कुछ था, but it was very interesting. बहुत मजे का लगा. कुछ वो नहीं हमने किया, वो जो डोली वोली बनाते हैं, नाम लिखवाते हैं. नहीं, मैंने नाम लिखवाया था अपने हस्बैंड का. मैंने यहाँ लिखवाया था नाम. मैंने नाम लिखवाया था. Oh, that's nice. You're very romantic. फूल वो नहीं चाहिए लेकिन नाम लिखवा रही है मेहंदी से. This is going to be interesting. मैंने लिखवाया, फैमिली कहने लगी ये क्या, whatever. But she couldn't see it in person. तो मैंने अपने वलीमा में फिर से लगवाई थोड़ी सी मेहंदी. So that my mother could celebrate it. She really feels for it. Yeah. Okay, so you guys got the nikah done in Dubai. And then फिर वलीमा आपने अपने father की मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा push करने की request की मैंने कि अब्बू आ पाएँ, जो बहुत था. तो वो भी हमने दुबई में ही किया बिकॉज अगैन दैट्स लेकिन इसलिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन टाइम थोड़ा सा इसलिए हाँ काफ़ी टाइम चार महीने अब्बू को बेड रिडन थे अब्बू. तो फिर उसके बाद सो चलिए कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं ना जो लोगों के दिमाग में हैं आपके हस्बैंड के बारे में. इसी मलेशियन और इंडियन सबसे पहले तो इंडियन द गूगल जो सारी गूगल से इंफॉर्मेशन हमें मिली है ना. इंफॉर्मेशन हमें मिली क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली.